So, कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है राहुल चौधरी और मेरा नाम है रणविजय और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल फिल्मी नजरिया। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था, तो हम हाजिर हैं आपसे उस वीडियो के पार्ट टू के साथ में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बचे हुए दो करेक्टर्स के बारे में। हमारे पहले करेक्टर हैं पवन पुत्र हनुमान जी और दूसरे हैं लंकेश यानी रावण। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हनुमान जी के करेक्टर के बारे में। और भाई आप ही बताओ, हनुमान जी के करेक्टर के लिए देवदत्त नाग के अलावा, देवदत्त नाग में आपको दोस्तों बता दूं, देवदत्त नाग जो है मराठी एक्टर है जिन्होंने मराठी सिनेमा में बहुत सारी फिल्में की हैं। तो ये उनकी पहली मूवी है? पहली नहीं है, ये पहली हिंदी मूवी नहीं है, बट जो इसमें हनुमान जी का जो करेक्टर फिलहाल कर रहे हैं वो देवदत्त नाग है जो कि एक मराठी एक्टर है। ओके, तो उनके अलावा कौन हमें लगता है कि जो ठीक इस रोल के लिए फिट जो ज्यादा रहते, मुझे लगता है कि पहले चलो मैं बताया, तो मुझे लगता है कि सोनू सूद जो है इसमें बहुत अच्छे लग सकते हैं। सोनू सूद ये एक्चुअली इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हनुमान जी का करेक्टर, हनुमान जी का नहीं रामायण का, अच्छा कोई भी करेक्टर आप उठा लीजिए, ये सारे ऐसे नॉन फेस हैं हमारे लिए जिसमें कि एक पावरफुल और एक नॉन फेस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी सोनू सूद बोल रहे हैं ये नॉन फेस है, दुनिया सोनू सूद को जानती है, तो शायद आपके हिसाब से सोनू सूद इसलिए ठीक लगता है भी। और हनुमान जी का जो करेक्टर है वो एक ऐसा करेक्टर है जिनको हम उनकी स्ट्रेंथ की वजह से ज्यादा जानते हैं। जो हनुमान जी का करेक्टर, अगर हम रामानंद सागर की जो रामायण है उसको भी देखें, तो उसमें हनुमान जी का करेक्टर स्पेशली दारा सिंह जी ने इसलिए किया था क्योंकि दारा सिंह जी अरुण गोविल या दूसरे जो करेक्टर थे उन सबसे ज्यादा लंबे चौड़े और उनकी जो बिल्ड थी वो हनुमान जी के करेक्टर के लिए जरूरी है पावरफुल दिखाने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से मेरा मेन रीजन है कि सोनू सूद इसमें कास्ट होने चाहिए। Okay. तो मेरी तरफ से सेकंड नाम जो आता है वो मुझे लगता है शायद हनुमान जी का करेक्टर एक और भी एक्टर है जो बहुत अच्छा निभा सकते थे, उनका नाम है विद्युत जामवाल। हाँ बिल्कुल, विद्युत जामवाल की तो फिजिक्स बहुत अच्छी है और वो मार्शल आर्ट भी बहुत अच्छा करते हैं। और कलरीपट्टू एक्चुअली जो मार्शल आर्ट विद्युत जामवाल खुद ये कहता है कि जो व्हाट इज द नेमिंग ऑफ दिस कलरीपट्टू, और कलरीपट्टू इज एक्चुअली फादर ऑफ द ऑल मार्शल आर्ट्स यू कैन से, एंड दिस इज सेट बाय विद्युत जामवाल ऑलरेडी। तो कलरीपट्टू उनका ये जो है जो मार्शल आर्ट है ये इंडियन मार्शल आर्ट है। तो जैसे इंडिया के बाहर जैकी चैन है जो अपने सारे स्टंट खुद करते हैं, तो वैसे ही शायद विद्युत जामवाल भी हैं, जितने भी उनके मुश्किल सीन्स होते हैं जो एक्शन के रहते हैं वो खुद अपने रहते हैं उनके, और वो अपने आप से करते हैं बेसिकली, और उनकी स्ट्रेंथ एक्चुअली बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है शायद उनको ये करेक्टर मिलना चाहिए था, तो वो बहुत अच्छे से निभाते। बिल्कुल, विद्युत जामवाल, सोनू सूद और जॉन अब्राहम। व्हाट? जॉन अब्राहम, यस जॉन। अगर हम सिर्फ फिजिक्स और फिजिक और उसकी पूरा जो स्ट्रॉन्ग जो पर्सनैलिटी है जो उसके लिए बात करें, तो हनुमान जी के लिए वैसे ही पर्सनालिटी चाहिए, तो मेरे ख्याल से जॉन अब्राहम की वो वाली है। भाई जॉन अब्राहम बाइक उठा लेते हैं तो। बट दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस मूवी के अंदर जॉन अब्राहम होते ना तो इस मूवी के अंदर सिर्फ जॉन अब्राहम दिखाई देते बिकॉज उनकी फिजिक और वो उनका एंगर आपने देखा होगा, उनकी जो प्रीवियस मूवीज जितनी भी हैं, जितनी भी उन्होंने मूवीज पुरानी की हुई है उसमें जो एंगर जिस लाइक फोर्स उन्होंने की थी, अगर उनको ये रोल मिले तो शायद वो बहुत अच्छा कर जाते अगर उनको ये रोल मिलता तो। तो ये हमारे थॉट्स हैं कि ये होना चाहिए थे। आप लोग भी हमें सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। तो लास्ट में जो हमारा लास्ट करेक्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर वो है लंकेश रावण। तो रावण का कैरेक्टर अभी जो है सैफ अली खान कर रहा है भाई आदि पुरुष में, और सैफ अली खान ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला नहीं उस कैरेक्टर को, क्योंकि वो जो भी बाल वालों की वजह से बिकॉज अभी अभी ट्रेलर के अंदर उनको इतना ज्यादा नहीं दिखाया उन्होंने, और अभी एक आज उनका एक सॉन्ग भी टीजर के बाद तो भाई उन्होंने दिखाना ही बंद कर दिया उसको। हाँ, इसको देखो ही मत वो ये आदमी आएगा काम खराब करके जाएगा। एग्जैक्टली, तो हमें लगता है शायद उस करेक्टर को निभाने के लिए कोई और एक्टर होना चाहिए था, तो हमने कुछ नाम निकाले हैं अपनी तरफ से और आप भी सजेस्ट कर सकते हो। तो आपका पहला नाम क्या है? मुझे लगता है कि रावण के कैरेक्टर के लिए विजय सेतुपति जो है
मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस थे। विजय सेतुपति तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, अब तो सभी जानते हैं फर्जी के बाद उनको। और नहीं, बट फर्जी से पहले भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और फर्जी से पहले अल्टीमेट विक्रम वेदा में अगर उनके कैरेक्टर देखोगे आप, तो आप बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छे से गैस कर पाओगे कि विजय सेतुपति रावण के कैरेक्टर के लिए कैसी चॉइस होती। एग्जैक्टली exactly. और अगर आप देखना भी चाहो तो एक मूवी और भी थी, अगर आपने देखी तो मास्टर, जिसमें विजय भाई वो विजय थलापति साथ में थे उनके, एक घूसा मार के सामने वाले की जान निकाल देता था वो। एग्जैक्टली exactly. तो वो अगर आप वो मूवीज देखोगे तो थोड़ा सा आप अगर आप सेट कर पाओगे कि हाँ ये रावण के लिए बिल्कुल बेस्ट करेक्टर थे। तो एक नाम ये है हमारे पास, और सेकंड नाम जो हमारे पास है वो है जगपति बाबू, जिनको याद नहीं उनको याद दिला दे। अभी पिछले महीने फिल्म आई थी किसी का भाई किसी की जान, उसमें वन आई थिंक दो विलन थे उसमें, तो एक तो विजेंद्र सिंह के अलावा जो दूसरे जो विलन थे जो साउथ में थे वो हैं जगपति बाबू। हाँ, जबकि उनको बहुत छोटा स्पेस मिला था उसके अंदर करने के लिए, जबकि वो बहुत बड़े स्केल के विलन करेक्टर निभा चुके हैं बिफोर किसी का भाई किसी की जान। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे विलन किए हैं, और मुझे लगता है शायद वो मेरे ख्याल से वो दिखने में बिल्कुल उनकी जो आंखें हैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव एक्चुअली में जगपति बाबू की। और रावण के कैरेक्टर के लिए अगर जो थोड़ा सा स्केरी लुक चाहिए फेस पे, वो जगपति बाबू बहुत अच्छे से लेके आ सकते थे उस पे, तो उनकी आंखों की वजह से। और इसके अलावा जो मैं जो इन दो नामों के अलावा जो मुझे लगता है पर्सनली जो सबसे ज्यादा जो फिटेस्ट कैरेक्टर वुड बी राणा रघुपति। यस, राणा रघुपति, जिन्होंने बाहुबली के अंदर बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के अंदर विलन का कैरेक्टर निभाया था। उनकी हाइट, उनकी फिजिक्स, हाइट फिजिक और एक्टिंग एक्सप्रेशंस, क्योंकि ऑलरेडी इज फैबुलस बाहुबली में ऑलरेडी जो रावण से मिलता जुलता कैरेक्टर ही था वो, क्योंकि वो भी एक पीरियड ड्रामा था बाहुबली। तो एक्चुअल में हमें पता है कि राणा रघुपति अगर रावण का रोल करता तो वो एग्जैक्टली कैसा दिखाई देता, एग्जैक्टली कैसा दिखाई देता, क्योंकि हमने ऑलरेडी बाहुबली के अंदर उनको देखा था। तो उनका जो जो पीरियड ड्रामा था, तो उस सिनेरियो में जो चीजें आती हैं जिसमें कि चाहे उनका लुक हो, चाहे वो राजपाट को दिखाने का तरीका हो, उनके उनका वॉक, उनका गुस्सा, तो मेरे हिसाब से शायद वो चीज सही बैठती है उनके लिए। अच्छा, इसके अलावा जो एक नाम और मेरे दिमाग में आता है वो आता है अजय देवगन। बिल्कुल भाई, अजय देवगन को नहीं भूल सकते। बॉलीवुड से ये जो हमने तीनों नाम लिए हैं ये अभी हमने साउथ इंडस्ट्री से लिए हैं, अगर बॉलीवुड से किसी को हमें लेना हो तो अजय देवगन वुड बी द बेस्ट चॉइस, बिकॉज उनकी आंखें और एक्टिंग का तो खैर हम क्या ही बोले उनका। अजय देवगन का सिर्फ ये है कि वो जब वो पूरा रावण का जो कॉस्ट्यूम जो भी आदि पुरुष में होता है वो सब पहन के कैसा दिखते वो, इसके अलावा एक्टिंग तो हम सबको बताइए, वो एक्टिंग तो बहुत जबरदस्त कर ही लेते हैं रावण की। एग्जैक्टली, आई थिंक एक नाम अभी मेरे दिमाग में आया है। व्हाट बताऊं? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन, या अभिषेक नहीं, अभी एग्जैक्टली अगर देखिए क्या होता है कि जब आपके दिमाग में एकदम से नाम आता है और आप किसी को जब कोई चीज बोलते हो तो आपका विजन चालू हो जाता है कि वो बंदा एक्चुअली उस टाइम दिखेगा कैसे। तो आप सही कह रहे हो, उसका हाइट एक्चुअली बहुत अच्छा है, और नो डाउट अभिषेक बच्चन को लोगों को चाहे लगता हो कि एक्टर बहुत बुरे हैं या कैसे, बहुत सारी नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं, बट वो एक्टर नहीं, मैं आई नो दैट कि वो बहुत बुरे एक्टर नहीं है। लोग मतलब जो चीजें सिनेरियो चलती हैं हमारे सामने, मैं जस्ट उसके बारे में बात कर रहा हूँ, बट वो करेक्टर रोल एक्चुअली बहुत अच्छे निभाते हैं, जैसे कि उन्होंने गुरु में किया था। और रावण का इन्होंने शायद नाम इसलिए लिया क्योंकि एक मूवी ऑलरेडी पहले बन चुकी है रावण के नाम से, जिसमें क्या लगता है। तो दोस्तों, ये था हमारा जो आदि पुरुष के जितने करेक्टर्स हैं, हमारे हिसाब से कौन से करेक्टर्स ज्यादा सूट करते वो हमने आपको बताया, हमारे थॉट्स हैं, ये हमारे थॉट्स हैं, ये हमें लगता है जो इस मूवी के बारे में बात चल रही है और लोग जो करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो हमें लगता था कि शायद ये करेक्टर इनके साथ फिट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है वो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। तो दोस्तों, खत्म करते हैं ये जो सेकंड पार्ट था हमारे पिछले वाले वीडियो का। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।